बिपोर जॉय तूफान का असर गुजरात में देखा जा सकता है। गुजरात के तटीय विस्तार से बिपोर जॉय तूफान टकरा चुका है। आप जिस तरह से देख रहे हैं ये तस्वीरें बड़ौदा से सामने आ रही है। बड़ौदा में बिपोर जॉय तूफान के टकराने के साथ ही तेज़ हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है। पूरे शहर में बारिश हो रही है। बारिश के चलते तेज़ हवाओं के बीच बिपोर जॉय तूफान का असर बड़ौदा शहर में दिख रहा है। जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है उस तरह से सिर्फ बड़ौदा शहर ही नहीं बड़ौदा ज़िले में भी बारिश दर्ज की जा रही है। आपको बता दें कि देर रात तक बिपोर जॉय जो चक्रवात है उसकी असर पूरे गुजरात में देखने को मिल सकती है। जिस तरह से हवामान विभाग मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है उस तरह से लगातार बारिश और तेज़ हवाओं के थपेड़ों के बीच गुजरात को आने वाले कुछ घंटे निकालने हैं। आपको बता दें कि बड़ौदा शहर में फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो बड़ौदा शहर से सामने आ रही है। देर शाम होते ही बड़ौदा शहर में लगातार बारिश और तेज़ हवाएं देखने को मिल रही है। तेज़ हवाओं के चलते कहीं पर भी अभी हताहत किसी के होने की खबर सामने नहीं आई है, पर जैसे ही बिपोर जॉय तूफान गुजरात के तटीय विस्तारों से टकराया तुरंत ही द्वारका समेत जो तटीय विस्तार है वहां पर मौसम में बदलाव देखने को मिला और तेज़ हवाएं देखने को मिली। जबकि बड़ौदा शहर और ज़िले में भी फिलहाल मौसम में बदलाव और तेज़ हवाएं देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि बिपोर जॉय तूफान के टकराने के साथ ही करीबन 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है, तटीय विस्तार में चल रही है। हालांकि बड़ौदा शहर में फिलहाल इतनी तेज़ हवाएं देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन बड़ौदा शहर में तेज़ हवाएं चल रही है और साथ ही में बारिश भी शुरू हो चुकी है।